दोस्तों नमस्कार। हिंदी की एक कहावत है, देसी कहावत है, सूत ना कपास जुलाहे की लट्ठम लट्ठा। ये कहावत इस टाइम सटीक बैठ रही है पूरी कांग्रेस के ऊपर। जब से कांग्रेस के हरियाणा में 5 सांसद बन गए, यानी कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था 25 मई को और 4 जून को परिणाम आया। इस परिणाम के अंदर हरियाणा में 5 भारतीय जनता पार्टी के और 5 कांग्रेस के सांसद बने, यानी कि कांग्रेस ने बीजेपी को 5 सीटों पर चोट दे दी, 5 अपने सांसद बना लिए। 5 सांसद बन गए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, इसके साथ साथ सतपाल ब्रह्मचारी बन गए सांसद, इसके साथ जो सांसद बन गए हिसार से जयप्रकाश सांसद बन गए, ये सभी 5 सांसद बन गए कांग्रेस के। वरुण मुलाना बन गए अम्बाला से। इन 5 लोगों के सांसद बनने के बाद कांग्रेस के अंदर ये कहावत जो मैंने अभी कहा है आपसे, सूत ना कपास जुलाहे की लट्ठम लट्ठा, बहुत जोर से चल रही है। तमाम कांग्रेसियों को ये लग रहा है कि 3.5 महीने बाद, लगभग 4 महीने के अंदर जो विधानसभा का चुनाव है हरियाणा के अंदर, जैसे लोकसभा के अंदर उन्होंने हरियाणा की जनता ने 5 सीट दे दी कांग्रेस को, तो कांग्रेसियों को लग रहा है कि भाई विधानसभा के अंदर हमें पूरा बहुमत मिल जाएगा। लगना भी चाहिए, लगे क्यों नहीं। बिना किसी संगठन के, बिना किसी पार्टी का जो पोर्टफोलियो बनता है कि कौन प्रधान है, कौन सेक्रेटरी है जिले का, कौन कोषाध्यक्ष है जिले का, संगठन बने बिना, प्रदेश का पूरा संगठन बने बिना, जब 5 सीटों पर कांग्रेस जीत गई, तो ये वाला आत्मविश्वास होना चाहिए जो है कांग्रेस में। लेकिन जो मैं आपसे बता रहा हूं ना कि सूत ना कपास जुलाहे की लट्ठम लट्ठा, जब से 5 सीट आई तब से एक बात शुरू हो गई कि मैं मुख्यमंत्री, और समर्थक कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री, इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये लड़ाई चल रही है इस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा गुट में। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट लोकसभा चुनाव के बाद में काफी शक्तिशाली होकर उभरा है। 4 सांसद इनमें जो जीते हैं, 5 इनमें से 4 सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के हैं। एक तो उनके अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा, और उसके साथ में जेपी, उनके साथ में वरुण मुलाना, उनके साथ में सतपाल ब्रह्मचारी, ये 4 सांसद हुड्डा साहब के गुट के हैं। कुमारी शैलजा अपने गुट की हैं। हालांकि कुमारी शैलजा का जो गुट है इस चुनाव में कमजोर पड़ गया। किरण चौधरी की बेटी श्रुति को टिकट नहीं मिला और किरण चौधरी पर आरोप लग गए कि उन्होंने भीतरघात की है, क्योंकि तोशाम से कांग्रेस का कैंडिडेट राव दान सिंह चुनाव हार गए। रणदीप सिंह सुरजेवाला पर भी कई इफेंडेड बट लग गए, क्योंकि जो उनकी सीट है कैथल, जहां से वो पिछला विधानसभा चुनाव हारे थे सैकड़ों थोड़ी सी वोटों से, वहां पर जो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट था उसकी बुरी हार हुई। इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला को लेकर के एक यूट्यूब चैनल पर अपने वीडियोस देने वाले एक पुराने एंकर हैं बड़े, उन्होंने एक वीडियो दिया था, उसके बाद भी रणदीप सिंह सुरजेवाला की छवि पर कुछ क्वेश्चन मार्क लगा है कांग्रेस में, इसलिए कुमारी शैलजा कमजोर हुई है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस सबके बीच भी अब पिछले दिनों किरण चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री की दावेदार तो कुमारी शैलजा होंगी। हालांकि किरण चौधरी का खुद पता नहीं कि वो पूरा टाइम कांग्रेस में रहेंगी या नहीं, विधानसभा का चुनाव कांग्रेस से लड़ेंगी या कोई और दरवाजा होगा, क्योंकि सब कुछ चल रहा है। आज किरण चौधरी का एक बयान था कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं लगता। दूसरे नेता चंद्रमोहन बिश्नोई बुके लेकर गए थे कुमारी शैलजा के यहां, वो भी कहकर के आए कि कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। अब चंद्रमोहन जी को खुद को भी नहीं पता, पिछली बार टिकट मिला नहीं, अब उनका अब की बार क्या होगा। लड़ाई तो लड़ रहे हैं पूरी, और अपने इलाके में खासकर पंचकुला एरिया में मजबूत नेता भी हैं। दूसरी तरफ हुड्डा साहब के लिए सब लग रहे हैं, सब नेता कह रहे हैं, आज जेपी कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि सूत ना कपास जुलाहे की लट्ठम लट्ठा, उसके पीछे रीजन एक है दोस्तों। 2005 में जो चुनाव हुआ था हरियाणा के अंदर विधानसभा का, किसको पता था उस चुनाव के अंदर कि चौधरी भजनलाल को एकदम यूं साइडलाइन किया जाएगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सामने आ जाएंगे, किसको पता था। पिछले दिनों जो चलता रहा कांग्रेस के अंदर, कब पता चलता है कि कौन सा नेता कब कहां गुलाटी मार के सामने ऊपर आ जाए। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में तो एक खास चीज है ही, कांग्रेस और बीजेपी के अंदर पार्टी का आलाकमान तय करता है कि कौन चेहरा होगा। राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया के पास एमएलए की संख्या ज्यादा थी, लेकिन पार्टी आलाकमान ने चिट में नाम लिखकर भेज दिया भजनलाल शर्मा, तो भजनलाल मुख्यमंत्री हो गए, रानी देखती रह गई। ऐसा ही कुछ कांग्रेस में भी है। अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है, कांग्रेस को इतनी सीटें मिल रही हैं कि सरकार बना ले,
तो फिर क्या पता कि कांग्रेस का आला कमान कौन से नेता को मुख्यमंत्री बनाएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बनाएगा, कुमारी सैलजा को बनाएगा, और या फिर कोई नए आ जाएंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां के बेटे भी आजकल चौधरी साहब अपना खूब दम लगा रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो भी सोच रहे हैं कि उनके बेटे का भी नंबर लग सकता है। लोकसभा का टिकट तो दिया नहीं, विधानसभा का टिकट मिलेगा। अब ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं दोस्तों, जिस वजह से मुझे कहना पड़ा कि सूत ना कपास जो लाए कि लठ्ठम लठ्ठा। 5 सीट जीतने के बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास, मैं वही कह रहा हूं कि बढ़ना तो चाहिए, लेकिन उनका पहले पूरा जोर इस बात पर होना चाहिए, क्योंकि भले ही इस लहर के बीच में जब हरियाणा के अंदर ऐसा लगता था कि चारों तरफ एंटी वेव है, मोदी और मनोहर की एंटी वेव है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, इसके सबके बावजूद 5 सीट कांग्रेस हार भी गई, अगर 5 जीत गई तो। जो जीतने वाली सीटें हैं, सतपाल ब्रह्मचारी की सीट, छोटा झटका लगता तो सीट हार जाते, मात्र 20-22 हजार वोट से चुनाव जीते, कोई बड़ी लीड नहीं है उनकी। और अगर आप आगे चलें तो हिसार के अंदर भी टक्कर तो पूरी हुई थी, जेपी चुनाव जीते इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मुकाबला अच्छा हुआ। खैर, हम तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की हवा भी चलेगी, कांग्रेस की लहर भी चलेगी, जो कांग्रेस के लोग सोच रहे हैं 5 सीट मिलने के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस सबके बीच में मुख्यमंत्री क्या हुड्डा साहब बन जाएंगे या कुमारी सैलजा बन जाएंगी, क्या बड़ी बात नहीं है कि पार्टी आला कमान इंटरफेयर करके कोई तीसरा चेहरा ही भेज दे, कोई तीसरा चेहरा सामने आ जाए, क्योंकि पार्टी चाहेगी नहीं कि कुमारी सैलजा जो लोकसभा की सांसद हैं 3 महीने बाद उनको इस्तीफा लेकर के, क्योंकि हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है अभी। इस सब को देखते हुए मैं, इसलिए हमने कहा कि कांग्रेस के अंदर की स्थिति ऐसी है, हुड्डा और सैलजा के गुट के बीच में कहीं कोई तीसरा तो नहीं आ जाएगा, कहीं कोई तीसरा तो नहीं आ सकता। कमेंट्स बॉक्स में आप भी जरूर बताएं कि क्या कांग्रेस में वाकई यही तो नहीं चल रहा कि सूत ना कपास और जुलाहे की लठ्ठम लठ्ठा। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।